शहरकाजी ने फतवे की बात को किया सिरे से खारिज, कहा समाज को बदनाम करने की साजिश। 24 नवंबर को दैनिक जागरण समाचार पत्र में यह बात प्रकाशित की गई थी कि मुस्लिम समाज के धर्मगुरु शहरकाजी राजनीतिक हो गए हैं। उनके द्वारा एक दल विशेष को वोट देने के लिए फतवा जारी किया गया है। रविवार को जब हमारे एडिटर इन चीफ जावेद अंसारी ने शहरकाजी से बात की तो उन्होंने अखबार में छपी खबर को सरासर झूठी और फर्जी कहा। साथ ही शहरकाजी ने इस खबर को समाज को बदनाम करने की साजिश कहा। आइए सुनते हैं और क्या कहा शहरकाजी ने। हम इस समय मौजूद हैं रीवा के ईदगाह में। यहाँ पर पिछले कई दिनों से कई तरीके की अफवाहें फैल रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शहरकाजी। आइए हम उनसे सीधे उनसे बात करते हैं कि पूरा मामला क्या है। 24/11/2018 को दैनिक जागरण समाचार अखबार रीवा द्वारा एक खबर छापी गई जिसमें ये कहा गया कि मुस्लिम समाज के धर्मगुरु और शहरकाजी राजनीतिक हो गए हैं और किसी विशेष दल को वोट करने के लिए आपने फतवा जारी किया है, जबकि ऐसा कोई फतवा मेरी तरफ से जारी नहीं किया गया। मेरा फर्जी लेटर हेड बनाकर उसमें फर्जी फतवा लिख करके और फर्जी तरीके से इसमें जो बातें लिखी गई वो सब बेबुनियाद और झूठी हैं। मेरी तरफ से ऐसा कोई फतवा जारी नहीं किया गया। ये मुझे बदनाम करने की और मुस्लिम समाज को बदनाम करने की ये साजिशें हैं और ये पहले भी मेरे ऊपर ऐसे मेरे खिलाफ ऐसे काम लोगों ने किए हैं और कर चुके हैं, जिससे मुझे बहुत तकलीफ भी है कि कुछ लोग ऐसी हरकतें करते रहते हैं और शहरकाजी के नाम का गलत इस्तेमाल करते हैं और गलत तरीके से लेटर हेड बनाकर उसमें फर्जी तरीके से फतवे जारी करना लिखना ये सब करते हैं। हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं ये फतवा होता क्या है और इसका शहरकाजी के फतवे का क्या असर होता है। देखिए, फतवा उसे कहते हैं कि किसी भी सवाल के जवाब में जो बातें एक मुफ्ती या शहरकाजी जब इसका जवाब देते हैं तो उसको फतवा कहा जाता है, या कोई ऐसी बात हो किसी तरीके की कि जो शरीयत के रूह से शरीयत की नज़र में वो गलत हो या सही हो, जैसी भी हो, उसके ताल्लुक से फतवा दिया जाता है, जवाब लिखा जाता है कि ये सही है ये गलत है। और इसका और कुछ कहना चाहेंगे आप? बस हम ये कहना चाहेंगे कि प्रशासन से भी गुजारिश है और अपनी आवाम से तमाम लोगों से गुजारिश हम करते हैं, ख़ासतौर पर प्रशासन इस बात की सख्ती से जांच करे और जिन लोगों ने ऐसी हरकत की है, ऐसी घिनौनी हरकत की है कि गलत तरीके से फतवा और लेटर हेड बना करके ऐसी न्यूज़ छपवाई है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि आइंदा ऐसी कोई हरकत न की जा सके। ये थे हमारे साथ शहरकाजी, जिनका साफ तौर से कहना था कि उनके नाम का, उनके लेटर हेड का गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है। मुस्लिम समाज में फतवे का बहुत महत्व है। अगर वो फतवा मौलवी मुफ्ती के द्वारा जारी किया जाता है तो व्यापक रूप से उसका समाज पर असर होता है। रीवा दर्शन के लिए मैं जावेद अंसारी।